हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, अपने देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए किसी भी देश को केवल अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ही मजबूत नहीं करना होता है, बल्कि उन्हें अलग अलग तरह के टैक्टिक्स और टेक्निक भी सिखानी होती है। इसी के साथ अगर कोई दो देश मिलकर एक साथ किसी दूसरे देश के साथ लड़ रहे हैं तो उन दोनों देशों में कॉरपोरेशन भी बहुत जरूरी होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं ताकि समय आने पर वे दोनों ही देश एक साथ दुश्मन के साथ लड़ सके। इंडिया भी कई देशों के साथ अलग अलग तरह के मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। और हाल ही में इंडिया ने मलेशिया के साथ हरिमाओ शक्ति 2022 नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का मेन रीजन ये है कि इन दोनों ही देशों को आर्मी के बीच में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए कॉरपोरेशन बढ़े और साथ ही इन दोनों देशों के आर्मी के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को भी इंक्रीज हो। ये एक्सरसाइज मेनली जंगल टेरेन जैसे एरियाज में कंडक्ट की जा रही है। ये एक्सरसाइज मलेशिया के पुलौई में की जा रही है जो 12 दिसंबर तक चलती रहेगी। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और मलेशिया आर्मी के बीच की जा रही है एनुअल ट्रेनिंग इवेंट की तरह, जो 2012 से हर साल की जा रही है। इस एक्सरसाइज में इंडिया आर्मी की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं मलेशियन आर्मी की तरफ से रॉयल मलाई रेजिमेंट मलेशिया को रिप्रेजेंट करेगी। इस साल इस एक्सरसाइज के दौरान इन दोनों ही कंट्रीज के आर्मी अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को भी इंक्रीज करेगी ताकि जो जंगल टेरेन में इनकी आर्मी इफेक्टिवली लड़ सके। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी कंपनी लेवल और बटालियन लेवल अपने सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस को जंगल जैसे एरियाज में कंडक्ट कर पाए। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के दौरान ये दोनों ही आर्मी अपने जॉइंट कमांड पोस्ट, जॉइंट सर्वेलेंस सेंटर को शेयर करेंगी। इसी के साथ वे एरियल एसेट्स के एम्प्लॉयमेंट के एक्सपर्टाइज को भी शेयर करेगी। साथ ही टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन, कैजुअलिटी मैनेजमेंट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसे प्लान को भी एक दूसरे के साथ कंडक्ट करेगी। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के दौरान सबसे ज्यादा जोर इन दोनों ही आर्मी की टैक्टिकल स्किल और इंटरऑपरेबिलिटी पर दिया जाएगा ताकि इन दोनों ही कोर्सेज के बीच में आर्मी दो आर्मी रिलेशंस को इंक्रीज किया जा सके। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।